नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। हमास इजराइल महायुद्ध पर पूरी अपडेट के साथ हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। और पश्चिम एशिया की बात करेंगे। पश्चिम एशिया में महाजंग की आग भड़कने की और आशंका तेज हो गई है। जी हां, जैसे जैसे इजराइल गाजा में जमीनी ऑपरेशन करने के लिए आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे उत्तरी इजराइल में लेबनान की सीमा और जॉर्डन की सीमा पर तनाव जंग का रूप ले रही है, और इसी के साथ अमेरिका के सैन्य ठिकाने भी अब निशाने पर आ चुके हैं, और इसीलिए अमेरिका पश्चिम एशिया में मिलिट्री की मौजूदगी को बढ़ा रहा है और अपने घातक हथियारों को कुछ इस तरह से एक्टिवेट भी कर रहा है। तीन मोर्चों पर जंग चल रही है। इजराइल की सेना हर मोर्चे पर दुश्मन पर भारी पड़ रही है। गाजा में ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अब वेस्ट बैंक में भी हमास के ठिकाने पर हमले होने लगे हैं। वहीं लेबनान की सीमा पर हिजबुल्ला के साथ जंग चल रही है। लेकिन पश्चिम एशिया के सबसे अस्थिर इलाके में जब इस तरह के हालात हों तो दुनिया को चिंता सताने लगती है कि यहाँ भड़की एक चिंगारी अरब देशों में आग भड़का सकती है और वो ज्वालामुखी का रूप ले सकती है, जिसमें सुपर पावर अमेरिका के हाथ भी जल सकते हैं। पश्चिम एशिया में महातबाही की दस्तक। महायुद्ध में अमेरिका के हथियारों की एंट्री। अमेरिका ने की ईरान को रोकने की तैयारी। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में अमेरिका की एंट्री से ईरान परेशान है और लगातार अमेरिका को धमकियां दे रहा है। अमेरिका को भी पता है कि अगर इजराइल और हमास का युद्ध गाजा से निकलकर लेबनान या सीरिया तक भी पहुंचता है तो इस जंग में अमेरिका को कूदना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ईरान छिपकर वार करने की जगह खुलकर इजराइल के खिलाफ हमला बोल देगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पिछले चार दिनों में हर रोज अमेरिका पर हमले हुए। इराक में अमेरिका के मिलिट्री बेस को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। सीरिया में भी अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले हुए, तो यमन से भी हूथी आतंकियों ने मिसाइल और ड्रोन से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला करने की कोशिश की, जिसे लाल सागर में तैनात अमेरिका के एक युद्धपोत ने नाकाम कर दिया। अमेरिका ने सालों तक अपनी नेवी और मिलिट्री के 1,00,000 से ज्यादा जवानों को पश्चिम एशिया के कई मुल्कों में अलग अलग सैन्य ठिकानों पर तैनात करके रखा था, लेकिन जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद नीतियां बदली और अमेरिका ने पश्चिम एशिया से ध्यान हटाकर अपना ध्यान हिंद प्रशांत महासागर में लगाया और इराक और सीरिया में तैनात अपने रक्षा कवच को कम करके थार्ड और पैट्रियट सिस्टम को पैसिफिक में लेकर चले गए। और अब जब ईरान के इशारे पर अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं तो अमेरिका को अपनी सुरक्षा व्यवस्था फिर से मजबूत करनी पड़ रही है। मिलिट्री एक्शंस के लिए उसने ऑलरेडी मेडिटेरियन सी में अपने दो एयरक्राफ्ट कैरियर विद फ्रिगेट्स, विद वारशिप, विद डेस्ट्रॉयर्स, विद सबमरीन एंड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिए हैं। इसके साथ साथ वो जितने अपने मिलिट्री बेसिस हैं उन मिलिट्री बेसिस को स्ट्रेंथन करेगा और वहाँ पर हर तरह का एयरक्राफ्ट और एम्युनिशन को पहुँचाएगा। सितंबर 2021 की जानकारी के मुताबिक पश्चिम एशिया में अमेरिका के 36 सैन्य ठिकाने थे, जहां करीब 43,000 जवानों की तैनाती थी और पूरे पश्चिम एशिया में एक सुरक्षा चक्र तैनात था। ईरान के आसपास अमेरिका के कितने सैन्य ठिकाने थे और कैसी तैनाती थी, लेकिन मौजूदा वक्त में यहां के अधिकतर अमेरिकी मिलिट्री बेस पर तैनाती को कम कर दिया गया है। लेकिन एक बार फिर अमेरिका का फोकस पश्चिम एशिया की ओर बढ़ा है और पुराने रक्षा कवच को एक्टिवेट किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इजराइल और हमास की जंग के बढ़ने की संभावना, जो पश्चिम एशिया में कई मोर्चों पर जंग के ज्वालामुखी को सक्रिय कर सकता है। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करेगा और एयरक्राफ्ट में भी F-15, F-16, F-35, A-10। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया।
हार्ड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती का फैसला। पेंटागन ने पश्चिम एशिया में अतिरिक्त जवानों की तैनाती का फैसला लिया। पूरे क्षेत्र में नौसेना और मिलिट्री की तैनाती बढ़ाई जाएगी। अमेरिका ने पहले ही 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है। वहीं ओमान की खाड़ी और लाल सागर में भी अमेरिका के मिसाइल क्रूजर की तैनाती पहले से है। इसके अलावा बहरीन में अमेरिका का बड़ा नेवी बेस है, जहां अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा तैनात रहता था। उसे एक बार फिर एक्टिवेट किया जा सकता है। जाहिर है अमेरिका हर तरह के हालात से निपटने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका को पता है कि अगर वो पश्चिम एशिया में तैनाती बढ़ाता है तो उसके दबाव में इजराइल और हमास की ये जंग शायद आगे ना बढ़े, लेकिन साथ ही में अमेरिकी बेस पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उससे अमेरिका को ईरान के आसपास ना सिर्फ अपने जवानों और सैन्य ठिकानों के लिए सुरक्षा कवच को मजबूत करना है, बल्कि अपनी स्ट्राइक क्षमता को इतना ज्यादा बढ़ा देना है कि कोई भी हमला करने से पहले 100 बार सोचे। इजराइल के पास ऐसे हथियार हैं कि वो गाजा में महाविनाश ला सकता है। और फिलहाल वो किन हथियारों का, किस तरह से बमों का इस्तेमाल गाजा में कर रहा है, ये अब सामने भी आने लगा है। और अब आपको बताते हैं कि इजराइल का ये नया हथियार आखिर क्या है, कैसे काम करता है, जो इसे इतना ज्यादा खतरनाक बनाता है और रिहायशी इलाकों में हमला करने के लिए एक सुरक्षित हथियार भी माना जाता है। 2021 में इजरायली सेना में शामिल होने वाला ये दुनिया का सबसे सटीक मोर्टार माना जाता है। और साथ ही एल्बिट सिस्टम्स ने स्टील स्टिंग मोर्टार बॉम्ब को बनाया है, जिसके लिए 2010 में काम शुरू हुआ और मार्च 2021 तक इसने अपने सारे टेस्ट पूरे भी कर लिए। और ये 120 mm का गाइडेड मोर्टार बम है, जिसे इजराइल के केशेट और हानत मोर्टार के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा स्टील स्टिंग को आयरन स्टिंग भी कहते हैं और इसमें 2 गाइडेंस सिस्टम भी हैं, लेजर और GPS। और इसी डुअल गाइडेंस सिस्टम की वजह से स्टील स्टिंग को बिल्कुल सटीक हमला करने की ताकत मिलती है। और आगे तफसील से समझिए, रिहायशी इलाकों में टारगेट पर हमला करने में आम लोगों के नुकसान को भी बचाया जा सकता है, यानी अर्बन वॉरफेयर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पहली बार गाजा में हमास के खिलाफ इस्तेमाल इजराइल की कमांडो यूनिट ने इसका इस्तेमाल किया। इसराइल और हमास जंग के बीच वेस्ट बैंक में बेहद तनाव है। आपको इस वक्त हम दिखाएंगे कि कैसे इसराइल और फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक बटा हुआ है। देखिए ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट। इजराइल और वेस्ट बैंक के बॉर्डर पे इस वक्त हम लोग हैं। हम लोग इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर हैं, रमल्ला के नजदीक हैं। और आपको बता दें कि कई क्रॉसिंग होते हैं। एक क्रॉसिंग हमारे पीछे में आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। वहाँ से हम प्रवेश किए हैं, जो इस वक्त आपको कैमरे पर दिख रहा है उधर इजराइल है, जो आपको इजराइल से हम लोग वेस्ट बैंक की तरफ प्रवेश किए हैं और रमल्ला थोड़ी देर में पहुंचेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वेस्ट बैंक तीसरे फ्रंट के तौर पे खुल सकता है। आपको दिखा दें, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जब दोनों सीमाओं के बीच में तनाव बढ़ता है तो इधर से आना जाना होता है। ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया और ये गाड़ियों के मूवमेंट के लिए है, जब इजराइल के लोग इधर नहीं आते लेकिन फलस्तीन के लोगों को उधर जाना होता है तो ये स्ट्रक्चर बनाया गया होता है। आमतौर पे इजराइल के लोग यहाँ नहीं आते लेकिन ये स्ट्रक्चर आम लोगों के लिए आने जाने के लिए बनाया होता है, जब तनाव की स्थिति होती है। और इस वक्त देख सकते हैं आपको, ये तमाम जो शहर दिख रहे हैं इसमें, इधर इजराइल के शहर दिख रहे हैं, वहाँ भी सामने में इजराइल है और इधर आपको फलस्तीन का शहर दिख रहा है, यानी ये वेस्ट बैंक का शहर है। तो हम हर जगह से आपको रिपोर्ट करते हुए दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है, तनावपूर्ण माहौल में हम वहाँ वहाँ तक आपको ले जा रहे हैं जो इजराइल के बॉर्डर से लगते हैं।